अनाटोमी ऑफ रिस्ट हैंड एंड फिंगर अनाटोमी के इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्ट हैंड और फिंगर में पाए जाने वाले ज्वाइंट और उनकी स्ट्रक्चर इसमें मेनली तीन ज्वाइंट पाए जाते हैं रिस्ट मेटाकार्पस और फिंगर अगर हम रिस्ट ज्वाइंट की बात करें तो इसे हम रेडियो कार्पस ज्वाइंट भी कहते हैं यह एक इलिप्सॉइड टाइप का ज्वाइंट है जिसमें रेडियस का लोअर एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट की ट्राइंगुलर डिस्क से आर्टिकुलेट करता है एंड डिजटली इसके वाइट टाइकोट्रियम और ल्यूनिट बोन से आर्टिकुलेट करता है रिस्ट ज्वाइंट में इन्वॉल्व लिगामेंट हैं रेडियो कोलेटरल लिगामेंट अल्नर कोलेट्रल लेगाट पालमल रेडियोकार्पल लेगामेंट पालमर कार्पल लिगामेंट डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट अब हम डिस्कस करेंगे रिस्ट कॉम्प्लेक्स रिस्ट कॉम्प्लेक्स में मेनली दो जॉइंट पाए जाते हैं रेडियो कार्पल और मिड कार्पल ज्वाइंट रिस्ट ज्वाइंट को एंटीरियर

यह ज्वाइंट कार्पस बोन के एंड डिस्टल रो के बीच बनता है यही एक प्लेन साइनोबियल ज्वाइंट है जिसमें ग्लीडिंग मूवमेंट होता है अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट यह ज्वाइंट कार्पस बोन की ट्रेपेजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की प्रोक्सीमल सर्फिस के बीच बनता है यह एक साइनोबियल सेडिल टाइप का ज्वाइंट है जिसे हम थम्ब ज्वाइंट भी के नाम से भी जानते हैं अब हम इस ज्वाइंट में पाए जाने वाले लिगामेंट देखते हैं एंटीरियर ओब्लिक लिगामेंट अल्नर कोलेटरल लिगामेंट फर्स्ट इंटरकार्पल लिगामेंट पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट रेडियल कोलेटरल लिगामेंट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल हाईली मोवेबल ज्वाइंट है अब हम डिजिट में पाए जाने वाले ज्वाइंट देखेंगे इसमें मेनली दो ज्वाइंट पाए जाते हैं पहला है मेटाकारपो फेलेंजियल ज्वाइंट एंड इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट अब हम बात करते हैं मेटा कार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट की

यह एक हिंज जॉइंट है जिसमें फ्लेक्सन और एक्सटेंशन दो मूवमेंट पॉसिबल हैं। मेटाकार्पोफेलेंजियल और इंटरफेलेंजियल को पाल्मर डिजिटल नर्व सप्लाई करती है इफ यू नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक अस अपर लिंब में पाए जाने वाले सभी जॉइंट और उनके टाइप लिस्ट ब्यू।